रतलाम जिले के नामली में प्रधानमंत्री आवास के 488 हितग्राहियों को लेकर राजनीति अपने अंतिम चरण पर आ गई है। करीबन 6 महीने से हितग्राही आवास की किस्त को लेकर नामली नगर परिषद से कलेक्टर कार्यालय तक के चक्कर काट रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास में भ्रष्टाचार की शिकायत के चलते कलेक्टर ने 488 हितग्राहियों के जांच के नाम पर रुपये की किस्त रोक रखी है। इसी मामले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन तहसीलदार प्रेम शंकर पटेल को दिया, जिसमें बताया गया कि सत्ता पक्ष के लोगों के कहने पर कलेक्टर ने जांच के नाम पर प्रधानमंत्री आवास के रुपये रोक गए हैं। ज्ञापन में गरीबों के पट्टे स्वीकृत करना, BPL राशन कार्ड धारियों के खाद पर्ची जारी करना और अम्बेडकर चौराहे पर दुकानों का निर्माण करने के साथ नामली नगर परिषद के मुख्य अधिकारी संदेश शर्मा पर सत्ता पक्ष के दबाव में मूलभूत सुविधाओं से वंचित करने संबंधित आरोप लगाए हैं। नगर परिषद अध्यक्ष नरेंद्र सोनावा ने प्रशासन को खुले रूप में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 7 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों की जांच कर कलेक्टर आदेश नहीं करती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। रतलाम से संवाददाता की रिपोर्ट। मैं कब से तोड़ रही हूँ, मुझे 4-5 साल हो गए, मेरा पट्टा नहीं बना रहे। मैं नगर पालिका में भी गई, तहसील में भी चली गई, सब दूर जाके आ गई हूँ मैं, मतलब रतलाम तक, फिर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं है। और कल कलेक्टर साहब के वहाँ भी गई थी, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं है मेरी। मुझे पट्टा चाहिए और अभी मेरे जो झोपड़ी बनी हुई थी उसकी दीवार भी गिर गई। मुझे पट्टा चाहिए, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं अकेली उनका गुजारा करती हूँ और मैं अपने बच्चों को लेके किराए के घर में रह रही हूँ, उनका पालन पोषण में रात दिन काम करके करती हूँ। अभी कहाँ आए आप? अभी मैं हूँ ना, अभी तो किराए से रह रही नामली में। कौन से वार्ड में? ये बाबू मार्ड सबके घर में है, मतलब वार्ड का मुझे पता नहीं, उनके घर में। नामली नगर की समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया है, उसमें आवास का है, आवास योजना के पैसे का है और पट्टे का है, खाद्यान्न पर्ची का है, अम्बेडकर दुकानों का है और नगर पालिका द्वारा स्वीकृत कामों को सुगमी करने का है। इन सबके संबंध में ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय को। सर, कलेक्टर महोदय द्वारा वृक्षारोपण के समय 5 दिन का आश्वासन दिया गया था कि अकाउंट में प्रधानमंत्री हितग्राहियों के पैसे आ जाएंगे, तथा लेटी होने का कारण क्या है? जांच करने में टाइम लगा है, हो गई है जांच, थोड़ी देर में आपके सामने रिपोर्ट आ जाएगी। सर, कहाँ तक पहुंची जांच? अभी जांच हो गई है पर इसको हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।